शादी कभी नहीं कर सकती। आनंद जी, मेरा नाम सिर्फ आपके साथ जुड़ा है और सिर्फ आपके साथ ही जुड़ा हो सकता है। मेरी हर सांस पे सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। आपके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती रौनक जी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम जानती हो तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? हाँ, मुझे बताया गया कि मेरी शादी की बात चल रही है और हुकुम और इंदर के बीच में इसी वजह से लड़ाई हो रही है। देखो मुस्कान, मैं जानती हूँ तुम्हारे पति भी इस दुनिया में नहीं रहे तो पति मेरे साथ है। क्या मतलब? मतलब मेरे रौनक जी मेरे दिल में बसते हैं, वो हर पल मेरे साथ है, मेरा ध्यान रखते हैं, उनका प्यार मेरी ताकत है और उसी ताकत की वजह से मैं आज भी जिंदा हूँ। देखो मुस्कान, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, पर तुम भी इस बात को समझती हो ना कि तुम्हारी वजह से इन दोनों गांव के बीच में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। तुम इस गांव के प्रशासन और इस गांव की औरतों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो। मुस्कान, अगर तुम इस शादी के लिए हाँ कर देती हो तो इन दोनों गांव की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान होगा। तुम एक बहुत नेक काम करोगी। क्यों मैडम, आप क्यों ऐसा सोचती है कि एक औरत तभी किसी का भला कर सकती है जब वो किसी आदमी के साथ बंधी है? क्या उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है? खुद का कोई अस्तित्व नहीं है? क्यों हमेशा एक औरत को एक आदमी की जायदाद बनकर ही रहना पड़ता है, फिर वो चाहे हालात सुधारने के लिए ही क्यों ना हो? बताइए मैडम, ऐसा क्यों? देखो मुस्कान, समाज को सुधारने के लिए समाज के अंदर रहना बहुत जरूरी है। समाज के खिलाफ जाकर या उससे लड़कर उसे बदलना नामुमकिन है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम इस समाज में सुधार लाना चाहती हो? लाना चाहती हूं मैं बदलाव, और इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। ये मुस्कान क्या कर रही है? पर अब सवाल ये है कि मैं शादी करूं तो करूं किससे? इंदर से या हुकुम से? पर जिस किसी के भी साथ मैं शादी करूंगी उससे मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। कैसी छे? जिस तरह पति और पत्नी शादी के सात वचनों में एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, वैसे ही मैं चाहती हूं कि मेरी सात शर्तों में मेरे होने वाले पति को और उसके गांव को हमेशा के लिए बांध दे। मुझे आश्वासन चाहिए मेरे पति से और उसके पूरे गांव से कि इस शादी से गांव की सारी औरतों का भी भला होगा। बोलो क्या शर्तें हैं तुम्हारी मुस्कान? मेरी शर्तों को दिमाग और कान दोनों खोल के ध्यान से सुनिए। शर्त नंबर एक, मैं बिना किसी रोक टोक के कभी भी कहीं भी गांव में आ जा सकती हूँ। मेरे साथ कोई भी आदमी या कोई भी औरत मेरी निगरानी करने के लिए नहीं आएगा। शर्त नंबर दो,
किसी भी आदमी को मुझे छूने का कोई हक नहीं है, खास करके मेरा पति। ओ भाई, क्या छोरी तो घनी बकवास कर रही है, चुप कर दे इसमें। चुप कर अम्मा, अभी कुछ ना बोल। शर्त नंबर 3, मुझ पर घूंघट डालने का दबाव नहीं डाला जाएगा। मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहनूंगी, जीन्स स्कर्ट जो मेरा मन चाहे। ए छोरी, इब तू अपनी हद पार कर रही है। प्लीज शांत रहिए, उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए, बोलो। शर्त नंबर 4, मेरा जब मन करेगा मैं नौकरी कर सकूंगी, और अगर चाहूं तो पढ़ाई कर सकूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शर्त नंबर 5, मुझे मर्दों के बराबर का दर्जा दिया जाएगा, आदमी और औरत का फर्क नहीं किया जाएगा। शर्त नंबर 6, मैं मेरे पति का और उस पूरे गांव का बिहेवियर ऑब्जर्व करूंगी 1 साल तक, और जब मुझे तसल्ली हो जाएगी कि सब बिल्कुल ठीक है, तभी मेरा पति मुझ पर अपना अधिकार जता सकता है। और मेरी आखिरी शर्त यह है कि जो भी शर्तें मैंने गिनवाई है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, गांव की सभी औरतों पर लागू होगी। तो बोलिए, मंजूर है? बोलिए, है मंजूर मेरी शर्तें? जानती थी मेरी शर्तें सुन के सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मुझसे शादी करना चाहते थे ना? अरे अब तो तुम लोगों का समाज ही ठुकरा देगा इस शादी के प्रस्ताव को। वाह मुस्कान, वाह, मान गए तुम्हें, क्या दिमाग चलाया है। इन लोगों के अहंकार को अपने पैरों तले कुचलने वाली ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें ये लोग सपने में भी नहीं मानेंगे। ए छोरी, मुझे तेरी ये फालतू की शर्त मंजूर ना है। अरे एक बात तू कान खोल के सुन ले, तुझे तेरी औकात में रहना पड़ेगा। तेरी ये शर्तें मुझ पे ना मेरे गांव पे किसी पे लागू ना होंगी, समझी? आइंदर, जो कही तूने मर्दों वाली बात, अगर तूने आज इस छोरी की शर्तों के लिए हामी भर ली होती तो विधानगढ़ वालों की मुंह से कट जाती। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ। शाबाश, भले इस छोरी ने आपको अखाड़े में पछाड़ दिया, लेकिन अभी अभी आपने इसको पछाड़ दिया। मैडम, इंदर जी को तो मेरी शर्तों से प्रॉब्लम है, मतलब इनसे तो मेरी शादी नहीं हो सकती। तो बच्चे आप बोलिए, क्या आपको मंजूर है शर्तें? नहीं, बिल्कुल नहीं, हुकुम कतई हां मत करना। ये छोरी हमारे गांव में क्लेश करवा देवेगी, सारा घर तो बर्बाद कर देवेगी, साथ साथ बची कुची छोरियों ने भी गुमराह करके हम मर्दों का मुंह काला कर देवेगी। वाह, क्या सोच है आप सबकी, मानना पड़ेगा। देखा मैडम, यही है ये लोग, यही है इनकी असलियत, ऐसे ही है ये। और आप इनसे उम्मीद कर रही थी कि ये लोग सुधर जाएंगे इस जन्म में, तो ये होने से रहा मैडम, नामुमकिन है ये। अरे ये लोग अपनी खोखली शान के सहारे जीने वाले लोग हैं, इन लोगों को औरतों की इज्जत करना नहीं आता। इनके लिए औरत बस अपने पैरों की जूती है, उनकी गुलाम है और कुछ नहीं। इनसे आजादी की उम्मीद करना फिजूल है मैम। ठीक है, तो तय रहा, हुकुम भी मुझसे शादी नहीं करेंगे। तत्र रे सूरी, हमारा फैसला तू क्यों लेवे से? अन्ने लेने दे। ठीक है, तो आप खुद ही अपने मुंह से बोल दीजिए कि आपको इस शादी से एतराज है। मन्ने एतराज ना है। मन्ने
खान ने थारी सारी शर्तें मंजूर से मैडम जी ये लड़की की कही हुई सारी शर्तें मन्ने मंजूर से। अरे बाबला हो गया क्या हुकुम, लारी पे पैर क्यों मार रहे है? ये छोरी तन्ने तो बर्बाद करेगी, साथ साथ पूरे देवीनंद गांव को भी बर्बाद कर देगी। हाँ हुकुम, तन्ने ये गलती करनी से तो कर, पर मारे गले में इस आपत ने ना डाल। हम इसे अपने गांव में ना आने देंगे। अगर यो आ गई तो मारे घर की सारी औरतें मारे सर पर नाचेगी और यो मारे कतई मंजूर ना से। चुप कर, चुप। मैं जो भी करूं सू अपने गांव की भलाई के लिए करूं सू। सुनो, यो ब्याह जो है इसे एक मौका समझो हमारे गांव की हालत को सुधारने का, इसके पुराने रीत रिवाज को बदलने का ये मौका से। देखो मैंने फैसला कर दिया तो कर दिया, ये हुक्म का हुक्म से। चुप रहना सब। मन ने थारी सारी शर्तें मंजूर से छोरी, हम सब ने हाथ जोड़ कर मैं अनुरोध करूं सु तुम्हारी होने वाली पत्नी ने वा इज्जत मारे घर ले आना। रोके की रसम के लिए अब मैं हम सब की इजाजत लूं सु, रसम की तैयारी भी करनी से। राम राम। हम संभालते हैं। चल कुलदीप। कोई जरूरत ना से, एक मुस्कान की खबर मैं लूंगा। मालिक क्या क्या करने जा रहे हैं आप? उन्हें रोकने की कोशिश मत कर लाखन। हुक्म नाम की सजा तो मुस्कान ने मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैंने उसे चेतावनी दी थी लेकिन उसने मेरी बात न सुनी, उसने मुझे कमजोर समझ लिया, अपनी शर्तें रख के उसने मारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। मालिक देखिए ये वक्त जो है ये जोश में नहीं बल्कि होश से काम लीजिए। अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो उसका हाथ काट दूंगी मैं, मर जाऊंगी, पर हुकुम के साथ कभी नहीं जाऊंगी। हम है ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हम अभी ठीक करके आते हैं। ठीक है, ये बात अभी आते हैं। सुन लिया आप लोगों ने, हुकुम के साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, उनसे शादी नहीं करूंगी। रानव जी, रानव जी।
जितना हुआ तेरा खसम मर गया, जो करेंगे हम करेंगे। मुस्कान जी शांत हो जाइए। नहीं लखन जी, मैं शांत नहीं हो सकती, मैं शांत नहीं हो सकती। कान जी शांत हो जाइए आप, प्लीज, आपको आपके रौनक जी की कसम। चल मेरे साथ। रौनक जी, मैं हुकुम से शादी कभी नहीं कर सकती। जाऊंगी रौनक जी। रौनक जी, मेरा नाम सिर्फ आपके साथ जुड़ा है और सिर्फ आपके साथ ही जुड़ा हो सकता है। मेरी हर सांस पे सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। आपके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती रौनक जी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कभी तुम्हारा ऐसा कुछ मत कहना, तुम समझ रहे हो ना? हम तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते, ऐसे दुखी नहीं देख सकते मुस्कान। हमारे जीते जी तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है? हम रौनक सिंह हैं, साला कोई भी आ जाए। सच रौनक जी, सच कह रहे रौनक जी, पर आप उन शैतानों को काबू में कैसे करोगे? छोरी, ये जेवर है, छाट ले इनमें से। पन अभी को छाटना है, ले ले। क्या जेवर जोड़े जो तने जरूरत पड़े वो ले ले। हम क्या करेंगे इसका? तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? इब जा निकड़ यहाँ ते। उधर संभाल, हम ना होने देंगे ही रोक का। हमारी मर्जी के बिना तुम हमें उस छोरी के शर्तों में ना बांध सके साहू को। अरे थम सब भी उस इंद्र की तरह मंदबुद्धि हो गया से, इतना जज्बाती होने की जरूरत ना से। जज्बाती होने का नतीजा देख लिया ना हम सब ने, विधानगढ़ और इंद्र के हाथों से वो छोरी निकल गई। इब अपने दिमाग की बत्ती ने जलाओ और मारे बात को समझने की कोशिश करो। ये सब जो मन ने किया ये सब तो एक नाटक से है, उस कलेक्टरनी को दिखाने के वास्ते। बावड़ा हो गया सब लोग, बावड़ा गया सर। हुकुम सिंह उस दो कौड़ी की चोरी के उंगलियों पे नाचेगा? यो नाटक तो मैंने उस चोरी को पाने के लिए किया सर। एक बार मारा उस चोरी से ब्याह हो गया, फिर उस कलेक्टरनी को ना मारे घर में ना इस काम में घुस रह दूंगा। और रही बात मुस्कान, तो उसके साथ में भी वही होगा जो आज तक मारे गांव में छोरियों के साथ होता आया से। वाह कुम, घना तेज दिमाग से थारा, एक तीर से तूने दोनों शिकार कर दी, छोरी भी पाली और मालिक को धूल भी चटा दी। यह सब तो मैं थम सब की भलाई के लिए ही करूं। आज मैं तुम सबने एक वादा करूं, शादी तो मारी होगी पर देवनंद गांव में उस मुस्कान का चीरहरण तो निश्चित है।
Thank you.